हाल ही में एक विमान हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर भारत ने आज एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत के बाद उनके दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर की खोज के लिए गहन खोजी अभियान चलाया गया था। इस बारे में बात करते हुए भारत के विदेश मामलों के विशेषज्ञ रुबिंदर सचदेव ने बताया कि कैसे अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध के चलते जिस हेलीकॉप्टर में रईसी सवार थे उसके स्पेयर पार्ट्स भी अमेरिका ने नहीं दिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस हादसे का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। तो अभी तक तो ऑब्वियसली पूरा एस्टीमेट जो लिया जा रहा है वो यही है कि ये एक एक्सीडेंट है जो कि वेदर कंडीशंस के कारण और वेदर कंडीशंस के साथ हो सकता है ह्यूमन एरर यानी कि पायलट का एरर कंबाइन हो गया हो, उन दोनों चीजों के चलते ये क्रैश हुआ है। क्या मतलब की कमी है तो मौसम तो राष्ट्रपति का सोपर होने के बावजूद भी डेफिनेटली ऐसे देखिए राष्ट्रपति का चौपर होगा तो उसकी मेंटेनेंस और हर चीज उसकी यू नो टॉप क्लास होती है। परंतु एक बात है, ये जो हेलीकॉप्टर था ये अमेरिकी ओरिजिन का था, तो पुराना हेलीकॉप्टर था और याद रखिए ईरान सैंक्शंस में है अमेरिका द्वारा बड़े लंबे समय से। तो इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि जो इनकी मेंटेनेंस या स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनकी अनअवेलेबिलिटी के कारण ईरान के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स की यू नो मेंटेनेंस पूरी उस हिसाब से शायद नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। परंतु फिर भी जो प्रेसिडेंट को कैरी कर रहा है हेलीकॉप्टर वो आई थिंक ईरानियन अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग तो फुल्ली यू नो प्रॉपरली टेक्निकल रूप से पूरा स्ट्रांग होगा, पूरा फिट होगा, तभी उसको वो उड़ाते हैं, क्योंकि अपने टॉप ऑफिशियल्स को वो किसी ऐसे यू नो अनमेंटेन्ड या इल इक्विप्ड हेलीकॉप्टर से नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जहां तक इरानियन अथॉरिटीज की बात है उनके हिसाब से तो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से फिट होगा, एयरवर्दी होगा। परंतु हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है कि इतना पुराना हेलीकॉप्टर था और अमेरिकी सैंक्शंस हैं तो उसके चलते क्या इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस में कुछ कमी रह गई थी जिसके चलते ये क्रैश हुआ है। देखिए डेफिनेटली ये प्रश्न उठता है, उठ रहा है इस समय और काफी दिन तक उठता रहेगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये नेचुरल कॉज है जिस भी कारण या किसी साजिश खास करके इसराइल द्वारा करी गई है। और इसराइल का माना जाता है और जाना जाता है और पता भी है कि इसराइल इस तरह की इस तरह की हादसे करने में माहिर है। और ईरान के अंदर तो खासकर इसराइल ने कई उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंजीनियर्स को मारा है, टारगेटेड किलिंग करी है। तो ऐसे में और ईरान इसराइल की जो टेंशंस चल रही हैं ऐसे में डेफिनेटली ये प्रश्न उठेंगे कि इसमें मोसाद या इसराइली एजेंसीज का हाथ है या नहीं है। परंतु जहां तक अभी समझ आ रहा है वो ये है कि ये मामला मौसम से रिलेटेड है, माउंटेनियस रीजन था, रात का समय था, बारिश थी, फॉग थी, अंधेरा था और तभी एक्सीडेंट हुआ है। बट बिल्कुल यस इस समय तभी तो दुनिया इस समय टेंशन में, अमेरिका भी इस समय टेंशन में सारी तरफ अगले 24-48 घंटों में कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है ये साजिश थी इसराइल द्वारा। और अगर नहीं भी थी, ईरान की लीडरशिप अगर इस बात को मान ले कि ये साजिश थी और ये मोसाद ने कराया है तो फिर ईरान का कुछ रिएक्शन हो सकता है। तो ये खतरा है अभी फिलहाल अगले 48-72 घंटों के लिए। तो देखिए आने वाले वक्त में फिलहाल के लिए तो एक तो ईरान के अंदर रिएक्शन देखना होगा कि ईरान की पब्लिक में किस तरह का इमोशनल रिएक्शन आता है। अगर ईरान की पब्लिक इमोशनल रिएक्शन में इसराइल को ब्लेम करती है चाहे कि कोई तथ्य ना भी हो, तब ईरान की लीडरशिप को शायद कुछ अपना कदम उठाना पड़ेगा दिखाने के लिए भी देखो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो एक खतरा फिलहाल है। देखिए ये जो टेंशन्स है इसमें एक और एलिमेंट है, अमेरिका और ईरान की इनकी मीटिंग्स होनी है ओमान में, एक कमरे में अमेरिकन नेगोशिएटर, दूसरे कमरे में ईरानी नेगोशिएटर, इसराइल और इस गाजा युद्ध को लेकर के। तो एक तो वरी ये है कि वो जो डिस्कशन होनी थी वो शायद टल जाएगी क्योंकि इस समय इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की टीम है वो शायद उन डिस्कशंस के लिए ना आए, जिसके चलते गाजा युद्ध को लेकर के जो हो रहा है वो और लंबा चलेगा। एक और थोड़ा सा खतरा है कि अगर अगेन ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स हावी हो गए और बिना वजह कहीं वो ये इसराइल को ब्लेम करें तो हो सकता है वो हिजबुल्ला को उकसा दें कि वो इसराइल के ऊपर कुछ अटैक करें।
बता दें कि राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री सहित ईरान के कुछ बड़े नेताओं की अजरबैजान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने 5 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। नए राष्ट्रपति के चयन के लिए 28 जून को चुनाव का ऐलान किया गया है। इसके लिए उम्मीदवार 30 मई से 3 जून तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं 12 से 27 जून तक चुनाव के लिए प्रचार किया जा सकेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने फिलहाल उपराष्ट्रपति को एक कार्यकारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अचानक मौत भारत के लिए भी बड़ा नुकसान है। ये रईसी ही थे जिन्होंने चीन और पाकिस्तान की ओर से दबाव डाले जाने के बावजूद चाबहार बंदरगाह भारत को सौंपने का रास्ता साफ किया। यही नहीं, ईरान के इस्लामिक देश होने के बावजूद रईसी ने कश्मीर के मसले पर भी हमेशा भारतीय रुख का समर्थन किया। गौरतलब है कि यह हादसा ऐसे वक्त हुआ है जब इसराइल ईरान के बीच तनाव व्याप्त है। ऐसे में हादसे के वक्त इसकी जगह को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उस हेलीकॉप्टर को लेकर भी उठ रहा है जिसमें रईसी सवार थे, क्योंकि वो 45 साल पुराना अमेरिका में बना बेल 212 हेलीकॉप्टर था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।